पब्लिक टीवी आपकी आवाज। घरों में आराधना करने के बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। उन्होंने परिवार के सुख सौहार्द की कामना की। माता मंदिर श्री नौ देवी काली माता मंदिर में सुबह से ही लाइनें लग चुकी थी। लाल चुनरी, फल, फूल, श्रृंगार आदि माता रानी को चढ़ाया गया। शाम को श्रद्धालुओं ने महाआरती में प्रतिभाग किया। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में सुबह हवन, शाम को कीर्तन और रात को आरती की गयी। होलिका देवी माता मंदिर, कपूर कंपनी लाइन पार माता मंदिर, दुर्गा मंदिर कोट रोड, श्री शिव हरि मंदिर रामगंगा विहार आदि में भी विधि विधान से माता रानी की पूजा की गई। महिला संकीर्तन मंडल ने कीर्तन कर माता रानी का गुणगान किया। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में रेलवे कॉलोनी में नवरात्रों का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति चल रहा है। आज दूसरे नवरात्र का दिन है। प्रतिदिन हमारे यहाँ सुबह को जो है माता रानी का यज्ञ होता है, जो प्रतिदिन चलता है पूरे नवरात्र। आज भी उसी कड़ी में जो है यज्ञ का कार्यक्रम, हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री वाजपेयी जी रेलवे से एवं संजय गुप्ता जी मुख्य यजमान हैं। और 11 बजे के करीब, 11-12 बजे के बाद पश्चात यज्ञ समाप्त होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। इसी कड़ी में शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पूरे नवरात्र महिला संगीत का कार्यक्रम चलता है, जिसमें महिलाएं अपना संगीत भजन संध्या वगैरह करती हैं, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। क्या कहेंगे मुरादाबाद के मैं माता के नवरात्र के अवसर पर अपने मुरादाबाद के सभी नगरवासियों को कहूँगा कि माता रानी की कृपा सब पर बरसी बरसे, माता रानी सबका सुख करें। गत वर्षों की भांति इस बार कुछ ज़्यादा ही डेंगू की बीमारी और बुखार से लोग पीड़ित हैं, हमारा समाज। हमारी माता रानी से प्रार्थना है कि इस बीमारी से शीघ्र अति शीघ्र मुरादाबाद की जनता को, देश की जनता को मुक्ति दिलाएं। जय माता की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।